हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। अपने घरों में कुछ पास होंगे। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन चंगेजी की रेसिपी। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। ये देखिए, मेरे घर गेस्ट आए थे, मैंने चिकन चंगेजी बनाई। जितनी प्याज होती है उससे डबल टमाटर डालने होते हैं। अगर जो हमने चार प्याज ली हैं तो आठ डाले हैं। ये देखिए, प्याज थोड़ी सी हम सौते कर रहे हैं, इसे ब्राउन नहीं करनी है, इसे थोड़ी सी सॉफ्ट करनी है। बस इसमें गरम मसाला डालेंगे हम, काजू बादाम डालेंगे। लेकिन थोड़ी मेरे साथ ये हो गया, गेस्ट आ गए थे तो मैं बादाम और काजू डालने वाली वीडियो नहीं बना पाई। इसलिए इंशाल्लाह आगे बनाऊंगी मैं अपने घर के लिए, तब इंशाल्लाह वो सारी रेसिपी मैं पूरी दिखाऊंगी आपको। देखिए, प्याज मैं सॉफ्ट कर रही हूँ। और बहुत मशहूर है ये हमारे यहाँ दिल्ली की चिकन चंगेजी, और खाने में भी इतने ही मज़े की लगती हैं। मेरे घर पर मेहमान जो आए थे, सबने मेरे चिकन चंगेज़ी की तारीफ़ की। ये देखिए, इसमें गरम मसाला जाता है, लहसुन अदरक जाता है। कुछ बना पाई मैं वीडियो? कुछ नहीं बना पाई, काम में बहुत ज़्यादा बिजी थी। और बीच बीच में कोई आ भी गया गेस्ट तो उनके साथ जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, और फिर किसी के सामने वीडियो बनानी अच्छी भी नहीं लगती। थोड़ा किचन हमारा बिल्कुल ओपन है, यही वजह होती है। थोड़ी जो एक तरफ हो तो थोड़ा अलग हो तो बना लो। ये देखिए, मैं टमाटर डाल रही हूँ इसमें, और इसे भी थोड़ा सॉफ्ट करना है। बस इनको गलाना है, और गलाने के बाद फिर हम इसको पीसेंगे मिक्सी जार में, बहुत बारीक करके, जिसकी ग्रेवी बनेगी बहुत अच्छे से। ये देखिए, थोड़े 5-10 मिनट में हम इसे गलाएंगे बहुत अच्छे से। जब गल जाएंगे हम टमाटर, तो समझिए कि हमारे टमाटर और प्याज तैयार हैं। और चिकन हमने रख दिया है मैरिनेट होने के लिए। उसमें सारे में ज़ीरा 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, और थोड़ा फूड कलर भी डालते हैं उसमें, और लहसुन और क्रीम और मक्खन भी डाला जाता है, या रिफाइंड डाल लो, कुछ भी डाल लो, मतलब तेल की जगह पर, मगर मक्खन की होती है ज़्यादा। ये मक्खन लास्ट में भी पड़ेगा, जब बन जाएगी बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो पड़ेगा। देखिए, ये हम ये बनाई थी फिरनी गेस्ट के लिए। अपने जो गेस्ट आए होंगे हमारे, ये फिरनी बनाई थी थोड़ी सी हमने बनाई तो, और बिरयानी भी थी, लेकिन उसकी रेसिपी मैं नहीं डाल पाई। इंशाल्लाह आगे डालूँगी उसकी रेसिपी। और मेरे वीडियो को पूरी वॉच करिएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और पूरे मेरे साथ वीडियो पे बने रहिएगा। ये देखिए, मैं निकाल रही थी थोड़ी सी, इसमें दे रही थी सबको निकाल कर। घर में लोगों ने पहले टेस्ट की कि कैसी है। पहले इसमें 5 किलो दूध में बस 150-200 ग्राम चावल पड़ते हैं। और ये देखिए, ये मेहमानों के गेस्ट जो आने वाले थे उनके लिए करके रखी है हमने, ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के रखी है, और अंदर भी डालते हैं, बाहर से डेकोरेट भी करते हैं। चीज़ें वो तो और अच्छी लगती हैं।
अच्छा, मेरे चैनल पर पहली बार जो आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। अल्लाह।